शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, और यह बड़ी खबर है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश की। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से यह नई पेंशन स्कीम लागू होगी और 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कर्मचारी के लिए यूपीएस या एनपीएस दोनों का ही विकल्प रहेगा। 10 साल तक काम करने वालों को 10,000 की पेंशन दी जाएगी। आपको जानकारी देते चलें कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल्स आ रही है। ना ओल्ड पेंशन स्कीम ना फिर न्यू पेंशन स्कीम, अब होगी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एक ये नया फरमान, बड़ी सौगात क्या इसे कह सकते हैं, इसके बारे में इसे और बेहतर तरीके से समझना होगा। और मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी है। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। और चलिए और विस्तार पूर्वक इस पर, इस न्यू पेंशन स्कीम के बदले जो ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है उस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, ये ऑप्शन होगा, ये विकल्प होगा लोगों के पास कि वो एनपीएस में जाते हैं कि यूपीएस में, विच इज वेरी अट्रैक्टिव, ये शब्द हैं केंद्रीय मंत्री के, लेकिन ये किस तरह से लागू होगी और कैसे पहुंचेगा इसका लाभ? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये आज इस स्कीम की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसका फायदा जो है केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले पर अभी थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले पर बड़ी घोषणा की गई, और केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस की है उसकी जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएस के नाम से जाना जाएगा, कि यानी एकीकृत पेंशन योजना को जिस तरह से लॉन्च किया गया है, तो इसका एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण असर जो है वो होने वाला। तो एक तरह से कह सकते हैं एक देश में जो केंद्रीय कर्मचारियों का एक जो बहुत बड़ा तबका है, और जिस तरह से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कुछ नाराजगी थी, कई काफी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अब ये जो अब आज जिस तरह से आज लॉन्च किया गया है, जिस तरह से योजना की प्रारंभ की गई है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इसकी तारीफ राजनीतिक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच हो रही है, और इसकी काफी तारीफ इस लिहाज से हो रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिसको बाद में लोग जब समझेंगे और जब उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका एक फायदा, एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ महीनों पहले काफी लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए आए थे, और उनका कहना था कि पेंशन प्रणाली है इसमें बदलाव होना चाहिए। और एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, और इस घोषणा के दौरान में केंद्र सरकारी कर्मचारियों की में पुरानी पेंशन स्कीम जो ओपीएस थी उसकी जोर पकड़ती मांग के बीच में केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो उसका जो एक अच्छा खासा असर आम लोगों उन लोगों पे पड़ेगा जो सरकारी कर्मचारी हैं, और राज्य सरकार के बीच में क्या उसे इंप्लीमेंट करते हैं, राज्य सरकार क्या उसे प्रोसेस को इस योजना का आगे उसको लागू करेंगे, तो इस मामले भी देखना लाजमी होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस के बारे में विस्तार से बताया गया, और इस स्कीम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरह से 3 प्रमुख योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी दी है, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो जिसे डीएसटी कहते हैं, कि एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना जैसे विज्ञान धारा में विलय कर दिया गया। विज्ञान धारा की अगर बात करें तो विज्ञान धारा के तहत जो स्कूली बच्चे हैं और खास तौर पर ऐसे लोग
जो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जो कई बड़े ऐसे मसले हैं, तो इंटर्नशिप के दौरान में उनको काफी फायदा होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज थोड़ी देर पहले इस मामले पे केंद्रीय ब्रीफिंग हुई है, कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान में। बिल्कुल, ये जो स्थिति है ये निश्चित रूप से उस सभी कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी होगी, और जो आपने अन्य योजनाएं बताई उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक अपने दर्शकों को बताएंगे। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर विस्तार।